नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जी हाँ, आप वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी चले जाएं, क्या आपको पता है आपके 10 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। अगर इंडिया को छोड़ के अगर विदेश में आप जॉब के लिए जाते हैं उनकी बात करते हैं, जी हाँ, हालांकि इंडिया के भी सेम है, कुछ पॉइंट को छोड़ के बाकी इंडिया में भी ये लागू होते हैं। किसी भी देश में दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, खास तौर से इन गल्फ कंट्रीज में अगर आप जाते हैं, जी हाँ, तो 10 आपके मौलिक अधिकार हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका मौलिक अधिकार है आपको वार्षिक अवकाश, यानी एक साल से आपको छुट्टी मिलनी चाहिए। जी हाँ, दूसरी बात करें आपको टाइम पे समय पे तनख्वाह मिलनी चाहिए। जी हाँ, मातृत्व अवकाश, अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। पासपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे, वीज़ा चार्ज के बारे में बात करेंगे, ड्यूटी टाइम कितना करना चाहिए, इस्तीफा आप कैसे दे सकते हैं, नोटिस अवधि क्या होती है किसी कंपनी में जॉब छोड़ते समय, ग्रेजुएटी बोनस के बारे में बात करेंगे, वीज़ा रद्द होने के बाद दोबारा उसको कैसे रिन्यू करवाएं, इससे हम डिटेल से पूरी 10 टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे। ये वीडियो पूरा देखिए भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। साथ ही लोगों को भी ज़रूर ये बातें शेयर कर दीजिए। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं स्टार्ट से। अगर बात करें तो भाई मजदूरी करना, मजदूर क्या है, आपको पता है एक मजदूर दिवस मनाया जाता है जो प्रत्येक साल में 1 मई को आता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी हुई थी। 19वीं शताब्दी में बात करूं अमेरिका में, आपको पता है भाई अमेरिका वर्ल्ड में सबसे उस टाइम भी आगे था, इसीलिए आज आगे है, समझ रहे हो। आपके पड़ोसी, उनके जैसे दादा सरकारी जॉब में था, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पड़ोसी के पड़ोसी है उसका दादा कोई गवर्नमेंट जॉब में था ना, तो उसका फादर लग गया और उसके बेटे लग गए, तो वो परिवार पहले से उठा हुआ होता है तो उनको उठने की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। सेम आपका दादा बेचारा खेत में काम कर रहा था, आपका फादर बेचारा थोड़ा बहुत पढ़ के कोई जॉब किया, ठीक किया, आपको पढ़ाया, तो आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते, समझ गए। सेम कंडीशन अमेरिका 19वीं सदी में अमेरिका में मजदूर संघ बन गया था। जी हाँ, वहाँ पे एक आंदोलन हुआ था और आंदोलन किसने किया, मजदूरों ने किया, क्योंकि वहाँ के मजदूर भी भाई सब पढ़े लिखे थे। शोषण के खिलाफ में, जैसे टाइम होता है ना जो कितने घंटे ड्यूटी करनी चाहिए, काम कैसे, तनख्वाह टाइम पे मिले, भुगतान, इस वजह से ये पूरा जो तामझाम लेके इनका कोई पहले ऐसा नहीं था, मनमर्जी लोग कितने घंटे ड्यूटी करो, पैसे नहीं देना, ये होता था। तो उसको मजदूर एक संघ बना, आंदोलन किया गया कि हमें भी पूरे राइट्स और अधिकार हैं, हमें भी पूरा सिस्टम लॉ बने, मजदूर लेबर लॉ बने, ताकि मजदूरों का इसमें भला हो सके। तो उसी के अनुसार ये 10 टॉपिक आपको मैं बताऊंगा कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कंपनी आपके साथ कुछ गलत करती है तो उनके खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जा सकता है, बशर्ते यहाँ से दिल मजबूत होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई वार्षिक अवकाश के बारे में। जी हाँ, वार्षिक अवकाश, जहाँ पर भी आप किसी भी कंपनी में कहीं पर भी, चाहे वो निजी हो, प्राइवेट हो, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप अपने मालिक के घर में काम कर रहे हो, जी हाँ, ये एक छुट्टी का हक है, आपको मिलना चाहिए। अब कैसे मिलना चाहिए, छुट्टी की बात करें तो इस्लामिक आपको पता है नववर्ष, उसमें एक दिन की छुट्टी आपको मिलनी चाहिए, उस दिन आप काम नहीं करोगे, आपको ध्यान रखना, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है, लोग काम कर लेते हैं घरों में, खास तौर से जो छोटे मोटे काम करते हैं उनके लिए ये छुट्टियां लागू नहीं होती हैं, जबकि लागू होनी चाहिए। नववर्ष के नाम से छुट्टियां होती हैं गल्फ देशों में, एक दिन की छुट्टी मिलती है। ईद अल फितर, जी हाँ, 2 दिन की छुट्टी मिलती है, इसमें आपको पता होना चाहिए। ईद अल अदा, आपको पता है बकरीद जिनको बोल सकते हैं, उसमें 4 दिन की छुट्टियां विदेशों में होती हैं, खासतौर से गल्फ देशों में। राष्ट्रीय दिवस में बात करें तो आपको छुट्टी मिलती है 2 दिन की राष्ट्रीय दिवस में। जी हाँ, स्मरण दिवस, यानी कोई मौत वगैरह, कोई बड़े नेताओं हो जो भी राजा महाराजा, उनकी अगर गल्फ में बात करें तो 1 दिन की छुट्टी या कई बार ज़्यादा भी हो सकती है। महीने में 2 छुट्टी तो कम से कम आपकी होनी चाहिए, वो फ्राइडे मान लो, कुछ भी मान लो, अलग अलग देशों के हिसाब से मैं बता दूं। वो 1 वर्ष में 1 महीने की आपको कंपनसेशन छुट्टी मिलनी पक्का चाहिए, कोई आपको कंपनी रोक नहीं सकती। 2 वर्ष में 2 महीने की छुट्टी आपको मिलना चाहिए, यानी कुल मिला के एक मजदूर आदमी को, नौकरी करने वाले को ये छुट्टियाँ मिलना उनका मौलिक अधिकार है। ये छुट्टी नहीं मिले तो आप बाकायदा ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, आगे हम बात कर लेते हैं नियमित भुगतान के बारे में। नियमित भुगतान एक मजदूर का इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। मजदूरी आदमी, कोई मजदूर, कोई नौकर कहीं पर भी काम करता है, वो काम किस लिए करता है, सिर्फ 2 रुपये कमाने के लिए। उसको ही अगर टाइम पे पैसा कंपनी, उसका मालिक आपका नहीं देगा तो आपके घर वाले आपका क्या खाएंगे, सोचने की बात है ना। जैसे कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई है, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहीं पर आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये एक मौलिक अधिकार है आपका।
उसी देश की मुद्रा में मिलनी चाहिए। हालांकि मुद्रा कई देशों में चेंज हो जाए, गल्फ देशों में तो नहीं होती, सेम है। जैसे आप दुबई में काम कर रहे हैं तो आपको रियाल में, दराम में इस तरह से तनख्वाह मिल जाती है, और बहुत सारे देश होते हैं वहाँ पे आपको डॉलर में मिल जाती है, लेकिन वो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, मासिक वेतन आपको हर महीने मिलना चाहिए, सालाना भुगतान है, आप किस भी वर्क एग्रीमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं वो कोई भी आपको है, वो समय पे आपको महीने में एक बार कम से कम तनख्वाह पैसा मिलना चाहिए ताकि आप अपना सिस्टम मेंटेन कर सको। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरी कंपनी है, मेरे पास 20 30 50 लोग काम करते हैं मेरे पास, तो आपको जो सामान चाहिए वो कई बार उनको टॉर्चर किया जाता है। जैसे इंडिया में स्कूलों में देखा होगा ना, प्राइवेट स्कूलों में मेरे बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसी स्कूल से आपको टाई बैग बस्ता सामान वगैरह सब मिल जाता है, वो मोटा कमीशन खाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके पास काम करें उसी के मालिक से, वहीं के वहाँ आप सामान खरीदें, कोई दुकान से शॉप से कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी अपना सामान ले सकते हैं, उनका सामान आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप। हम बात कर लें तीन नंबर पे कि भाई महिलाएं, बहुत सारी महिलाओं में विदेशी जॉब करती हैं नो डाउट, और उनके दौरान मातृत्व अवकाश यानी गर्भवती प्रेग्नेंट होने के बाद में उनको कुछ मौलिक अधिकार वहाँ पे मिले हैं कि भाई उनको एक्स्ट्रा में बता दूँ, कानून 1980 एक्ट 8 के 30 में एक प्रावधान किया गया है कि 45 डेज यानी डेढ़ महीने की उनको छुट्टी मिलेगी, चाहे उन्होंने एक साल तक काम किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बावजूद भी वो अगर काम नहीं कर पाती है तो कुछ टाइम तक उसको आधी सैलरी भी कंपनी की तरफ से मिलना चाहिए, ऐसा प्रोसेस है। तो जो मातृत्व अवकाश मेन बात यह है, वो उस प्रत्येक महिला का मौलिक अधिकार है जो गर्भवती होने के बाद में उनको मिलना चाहिए। जी हाँ, चार नंबर पर बात कर लेते हैं कि आपका पासपोर्ट आपके पास रहना चाहिए, कंपनी के पास नहीं रहना चाहिए, ये आपका मौलिक अधिकार है। जी हाँ, अगर देखिए मैं बता दूं, गल्फ में 1 करोड़ इंडियन पब्लिक है, बाकी करोड़ बहुत करोड़ों लोग बैठे हैं। गल्फ की बात करें तो 100% मैं बता दूं, 95% कंपनियां पासपोर्ट अपने पास रखती हैं और आपको मजबूर करके रखती हैं, आपसे कोई वो सहमति नहीं लेती। जबकि वीई का लेबर लो या गल्फ देशों का लेबर लो ये बना हुआ है कि आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, कंपनी वो पासपोर्ट नहीं रख सकती, खासतौर से वीई की बात करें तो। जी हाँ हाँ, आप अपनी सहमति से आपका साइन हो गया कि कंपनी सुरक्षा के लिहाज से आपको अपने पास रख सकती है तो भले ही रखे, बाकी आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। कर्मचारी अगर अपना पासपोर्ट मांग लेता है और कंपनी पासपोर्ट मांगने के व्यापे उसको जॉब से निकाल देती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, उसके खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। कंपनी उसको पासपोर्ट मांगने के व्यापे जॉब से नहीं निकाल सकती। तो समझ में आ गया होगा कि आपका पासपोर्ट आपका है न कि कंपनी का, आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, वीजा फीस के बारे में बात कर लें, बड़ा टॉपिक है भाई। आप विदेश में जाते हैं, इंडिया से जा रहे हैं विजिट वीजा में, खास तौर से वीए की बात करें तो लगभग विजिट में जाते हैं, और आप किसी भी प्रकार के कोई भी वीजा में चले जाओ, बता दूं अगर दुबई की बात करें, दुबई में जाने के बाद आपसे बहुत सारी कंपनियां आपके लोकल जो छोटे मोटे होते हैं ना, जो अपने आप को बड़ा कंपनी का मालिक समझने की कोशिश करते हैं, आपके पैसे सैलरी से काटना स्टार्ट कर देते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, आधा पैसा आप दो आधा मैं दूंगा, इस तरह से आपके साथ में गेम प्लान किया जाता है। जबकि वे का लेबर लॉ में ये दंडनीय अपराध है, इस बात का ध्यान रखिए, गंभीर प्रवृत्ति का अपराध माना गया है इसको, कि आप अपने वर्कर से वीजा का पैसा नहीं ले सकते, अगर लिया गया तो आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होगी और दंडनीय अपराध आपके ऊपर मुकदमा लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखिए, आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, कोई कंपनी आपका पैसा काट ले सैलरी का, वीजा के नाम से आधा पैसा दे दो, रिन्यू के नाम से, तो आप उसके खिलाफ में मुकदमा करवा सकते हैं। इस बात का इसका सीधा मुकदमा होता है, शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो समझ गए होंगे इस बात को आप। 6 नंबर पॉइंट पे बात करेंगे ड्यूटी टाइम। जी हाँ, ये आपका मौलिक अधिकार है कि आपसे कोई कंपनी 8 या 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकती, कुछ कामों को छोड़ के। जी हाँ, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कोई कंपनी ये नहीं बोल सकती कि आज तुझे 10 घंटा काम करना पड़ेगा उसी तनख्वाह में। हाँ, 8 घंटे ड्यूटी में आप काम कर रहे हो, आप जैसे 1500-2000 दराम में एक्स्ट्रा करोगे तो ओवरटाइम का पैसा मिलेगा। जी, ओवरटाइम कंपनी नहीं दे रही है और उसी में आपसे ओवरटाइम करवा के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो आपकी ये आपका मौलिक अधिकार है कि उस कंपनी के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। रमज़ान में 2 घंटे की आपको छूट दी गई है, रमज़ान में 6 घंटे से ज़्यादा कोई कंपनी काम नहीं करवा सकती, ये आपका मौलिक अधिकार है। जी हाँ, आगे अगर बात करें 7 नंबर पे, इस्तीफा आप देते हैं तो आपको अपने नियुक्ता की, अपनी मालिक की, अपनी कंपनी की सहमति की 1% भी जरूरी नहीं है। आपको ये जच गया ना कि भाई एक आपका एक अग्रीमेंट होता है, उसमें 6 महीने से पहले तो आप नहीं दे सकते, सीमित असीमित का अग्रीमेंट होता है। जी ठीक है जी, उसमें आपको लिमिट टाइम के बाद में अगर आप इस्तीफा देते हैं तो आपको कंपनी साहब इस्तीफा मेरी नौकरी छोड़ दो, मेरे को पासपोर्ट दे दो, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा रिजिग्नेशन लेटर उनकी टेबल पर मार सकते हैं अगर पढ़े लिखे ना,
और अगर अनपढ़ हैं किसी से लिखवा सकते हैं या फिर अपनी मेल से ऑफिशियल ईमेल पे ईमेल कर दो, वो आपका इस्तीफा मान्य हो गया। आपको जी हजूरी करने की 1% भी जरूरत नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार है। जी हाँ, 8 नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि भाई नोटिस अवधि के दौरान आपको काम करना होगा। इस बात का आपको समझ में मैं बता देता हूँ कि ये आपका 8वां नंबर पे है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। अग्रीमेंट दो तरीके होते हैं, एक तो सीमित अग्रीमेंट हो गया, एक असीमित हो गया। तो उनमें एक लिमिटेशन होती है आपकी, भाई इतने टाइम से आप जॉब नहीं छोड़ सकते, ये कंडीशन आप सबको पता होगा। तो 6 महीने बाद जब भी आप इस्तीफा कंपनी में देते हैं तो आपको एक नोटिस देना पड़ता है कंपनी को, ठीक है जी। उस नोटिस में आपका रीजन लिखना पड़ता है और वो नोटिस आपको 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में पेंडिंग रह सकता है। जैसे आज आपने नोटिस दिया कंपनी में, तो उस दौरान 1 महीने बाद आपको वो जॉब छोड़ सकते हैं। उस दौरान आप उस कंपनी में काम करना होगा, आपको रेगुलर जाना होगा, ठीक है जी। और उस काम करने के बदले कंपनी आपको भुगतान करेगी। ये नहीं कि आपने नोटिस दे दिया तो कंपनी फ्री में काम करवाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपका मौलिक अधिकार बनता है। जी हाँ, 9 नंबर में बात कर लेते हैं कि आपकी इस्तीफा देने पर ग्रेजुएटी बोनस, आपकी बकाया तनख्वाह, आपका पैसा, उनका क्या होगा। जी हाँ, ये आपका इसी में मौलिक अधिकार में आता है कि जब भी आप कंपनी में किसी भी कंपनी में इस्तीफा देते हैं, चाहे आपका अग्रीमेंट सीमित हो या असीमित हो, जरूरी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बकाया तनख्वाह, आपकी ग्रेजुएटी बोनस, आपने कंपनी में जितने भी टाइम काम किया है, जितने भी किया, वो कंडीशन के आधार पे आपकी ग्रेजुएटी बोनस, एंड ऑफ सर्विस बोल सकते हैं, बोनस बोल सकते हैं, वो आपका कंपनी को देना होगा। जी हाँ, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई कंपनी में इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं होता कंपनी आपको डरा सकती है, धमका सकती है, आपको भाग जाओ यहाँ से, आप बीच में जा रहे हो, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको आपको ध्यान में रखें, ये आपका मौलिक अधिकार है, सब कुछ आपको मिलना चाहिए। जी हाँ, लास्ट एंड आखिरी पॉइंट पे हम बात करेंगे कि ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है जी, वीज़ा ख़त्म हो गया, समझ रहे हो बात को, या कंपनी से आपको इस्तीफा देना है, कंपनी आप छोड़ रहे हैं, तो कंपनियां इतनी हरामी टाइप की बन जाती हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं कि उनको लगता है कि बंदा घर जाने वाला है या यहाँ से छोड़ के दूसरी कंपनी में, तो वो आपका पासपोर्ट नहीं देते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि पासपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया 95% लोगों का पासपोर्ट कब्जे में रखता है, और जैसे उनको पता लगता है ये बंदा जाएगा यहाँ से, तो वो फिर आपका पासपोर्ट पहले तो आपको लटकाते रहते हैं, 3-4 महीने निकाल देते हैं, तनख्वाह नहीं देते, कमरे भी बिठा देते हैं, हिसाब आपका नहीं देते, आप बैठे बैठे परेशान हो जाते हो, ये सिचुएशन आती है। उसके बाद आपका वो वीज़ा कैंसिल कराते हैं, उससे कैंसिल कराने से पहले से भी वो आपके ऊपर साइन करवा लेते हैं, समझ रहे हो, तो साइन बिल्कुल ना करें, वीज़ा कैंसिल करवा रहे हो तो उससे पहले साइन ना करें, उस जिससे पहले आपको तनख्वाह, आपका बोनस वगैरह नहीं मिल जाए, उससे पहले साइन ना करें आप, वो मिलने के बाद वीज़ा रद्दीकरण का साइन आप वीज़ा फॉर्म पर साइन कर सकते हैं। जैसे ही वीज़ा रद्द होता है तो आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, 30 दिन का। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे पास काम कर रहे हैं, मैंने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया, पहले तो मैं ये चालाकी दिखाऊंगा, कंपनियों में मैंने प्राय देखा है कि 20 30 50 100 लोग हैं, उनका वीज़ा कैंसिल हो रहा है, सबके पासपोर्ट वो नहीं देंगे, हरामी होते हैं, वो एयरपोर्ट तक पहुंचा देंगे, वो अपने गाड़ियां भर के एयरपोर्ट के अंदर घुसा के आएंगे आपको कि ये बंदा यहाँ दूसरी कंपनी में जॉब ना करें, अपने इंडिया में चले जाएं। ये सिचुएशन सब लोगों के पास होती है, कोई जो ही पढ़ा लिखा बंदा या कंपनी अच्छी होती है वो ही पासपोर्ट दे सकती है कि भाई ये आपका वीज़ा रद्द कर दिया, ये तेरे पास 1 महीने का टाइम है, चाहे तो तू दुबई में रहे, चाहे इंडिया जा, चाहे आप दूसरी कंपनी में वीज़ा लगवा लो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे वीज़ा कंपनी में आप रद्द करवाते हैं तो आप पासपोर्ट ले लें उनसे रद्द होने के बाद में, क्योंकि वीज़ा रद्द होने के बाद कंपनी की, उस कंपनी की तरफ से आप फ्री हैं। उसके बाद आपको पूरा 30 दिन का टाइम मिलता है, 30 दिन में आप या तो किसी दूसरी कंपनी का वीज़ा लगवा सकते हैं, उसमें जॉब आप कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा वीज़ा लग जाएगा, जॉब लग जाएगा आपका, 1-2 साल का आप फ्री हो गए, या फिर आप 30 दिन के अंदर आपको अपने देश वापस आना है, चाहे आप इंडिया के हो चाहे कोई भी देश के हो, ये प्रोसेस होता है। उसके बाद भी आपने कंपनी से पासपोर्ट ले लिया, महीना निकल गया, 2-3 महीने निकल गए, तो आप फिर इलीगल हो जाओगे। इलीगल होने का मतलब पुलिस पकड़ सकती है, आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा और आपको वहाँ से ब्लैकलिस्ट करके निर्वासित किया जाएगा, फिर ये प्रोसेस है। तो आप, आई होप आपको ये 10 आपके जो मौलिक अधिकार हैं मजदूर संघ द्वारा बनाए हुए हैं, पूरे वर्ल्ड पे ये लागू होते हैं मजदूरों पे, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।